नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। गुना दौरे पर आए लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता ने अपने गुना प्रवास पर पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने जीएसटी के मुद्दे पर सिंधिया द्वारा दिए गए बयान को हवा हवाई बताया। श्री गुप्ता ने सरकार को सुझाव दिए थे कि जीएसटी में पेनल्टी माफ होनी चाहिए, साथ ही व्यापारियों का टर्नओवर 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ होना चाहिए। श्री गुप्ता ने संगठन के पदाधिकारियों से इन संबंध में भी चर्चा की। इसको मैं गलत इसलिए नहीं मानता कि कहीं ना कहीं हमको एक, जब हम देश को और अर्थनीति के हिसाब से देखें तो एक स्ट्रीम लाइन कहीं ना कहीं आए, और जो अलग अलग धुरी पर अलग अलग जगह कुछ चीज़ें चल रही थी वो एक स्थिति बने, जिससे सरकार के पास टैक्स के रूप में कलेक्शन भी हो और वो फिर विकास के रूप में लगे। ये ठीक है कि जिस तरह से GST आया उसमें थोड़ा क्रियान्वयन को लेके परेशानियाँ थीं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक भी हो रही है, चाहे वो कंप्लाइंसेस को लेके बातें हैं, चाहे उसके रेट्स को लेके बातें हैं। ये सरकार सुन भी रही है और आगे इससे काफ़ी उम्मीद भी है। सर, GST का समर्थन हमने पहले भी किया और हम आज भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें जैसे बात आ रही थी कि छोटे उद्योग को लेके कमियाँ भारत सरकार भी स्वीकार कर रही है। आज अपने आपके चैनलों में ही जो चीज़ें आई कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि जो भी चीज़ें हमने, कोई पत्थर की लकीर नहीं है, तो संवेदनशीलता तो है ना, इसलिए तो उन्होंने सुना। और मैंने जैसे बताया कि आज की बैठक में काफ़ी कुछ पॉजिटिव, आपने लघु उद्योग भारती का एकदम पेट्रोल डीजल को लेकर ऐसा हमने कभी कोई वर्कआउट नहीं किया। फेलियर एनालिसिस तो नहीं है ये? नहीं, फेलियर है इसलिए नहीं है क्योंकि बड़े उद्योग जो अभी तक काफ़ी कुछ सरकारी नीतियों का लाभ लेते थे, छोटे उद्योगों को भी वो लाभ किस तरह से मिले। सरकार एक अच्छा कदम लेने जाने वाली है। अभी जैसे लघु उद्योग मंत्रालय अलग बना देश में, अपने प्रदेश में भी लघु उद्योग मंत्रालय अलग है। अब छोटे उद्योगों के लिए भारत सरकार ये सोच रही है कि उसी मंत्रालय के अंतर्गत सारी चीज़ आ जाए। छोटे उद्योगों में एक पर्टिकुलर उसका टर्नओवर, उसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट और उसमें टर्नओवर, सारा कुछ लघु उद्योग मंत्रालय देखे उसका, ये भारत सरकार सोच रही है। एक अच्छा कदम है। अभी एक उद्यमी उद्यमिता के साथ उद्योग लगाता है और फिर अलग अलग विभागों में जाना पड़ता है, वो विभागों की झंझटों से दूर होकर एक ही विभाग उसको देखे, ये सरकार विचार कर रही है, एक अच्छा कदम है सरकार। आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र संघ चुनाव को लेकर किया चक्का जाम। ABVP ने आज अंबेडकर भवन चौराहे पर छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर चक्का जाम किया। इससे पूर्व ABVP के कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय को भी बंद कराया। परिषद के विभाग संयोजक यशवर्धन भार्गव ने बताया कि सरकार छात्र संघ चुनाव को टाल रही है, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी अभी तक चुनाव नहीं कराए गए। चक्का जाम की खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाइश के बाद चक्का जाम खुलवाया। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का
ये प्रदेश व्यापी आंदोलन किया गया है। ये आंदोलन हमने शिवराज सरकार के खिलाफ करा है, जिसने पिछले साल झूठा वादा करके के 2017 से छात्र चुनाव को अनिवार्य करेगी और छात्रों के हितों के लिए सोचेगी। अपने उस वादे से जो सरकार मुकर रही है और पलट गई है, और अपने उस वादे को याद दिलाने के लिए और शिवराज सरकार को बताने के लिए कि अगर जो अपने वादे से मुकर के और छात्रों के साथ ऐसा धोखा किया गया तो विद्यार्थी परिषद और भी उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की रहेगी। आज हमने ये आंदोलन गुना नगर के अंदर करा है, जिसमें हमने कॉलेज बंद कराकर एक छक्का जाम हमने अम्बेडकर चौराहे पर किया था। जिला चिकित्सालय परिसर में आयोजित हुआ स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नवीन गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं को अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार कार्य करना है, इसकी जानकारी भी उन्हें दी गई। ये ट्रेनिंग जो है नए गर्भ निरोधक सरकार ने लॉन्च किए फील्ड में, उसके विषय में मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ नर्स का प्रशिक्षण चल रहा है। ये प्रशिक्षण 2 दिवसीय है। हमारे पहले के जो गर्भ निरोधक साधन चलते थे, जैसे कि कंडोम, ऑरल पिल्स, IUCD, PPI UCD, उनके साथ साथ ये 2 नए गर्भ निरोधक आए हैं वर्तमान में। एक छाया टेबलेट है जो कि सप्ताह में एक बार ली जाती है, लेकिन जब हम शुरू करते हैं इसको तो पहले तिमाही में सप्ताह में 2 बार देते हैं। प्रति सप्ताह लेने वाली गोली है, ये नॉन हार्मोनल है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा हमारा इंजेक्शन इंजेक्टेबल है, जो कि अंतरा इंजेक्शन के नाम से है। ये 3 महीने में एक बार लगाया जाता है और 3 महीने बाद रिपीट होता है। जब तक बच्चा ना चाहे इंजेक्शन लगवाते रहें। मैं डॉक्टर पी बनकर चाचौड़ा में शरद पूर्णिमा का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। चंपावती नगरी में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शरद पूर्णिमा का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस त्यौहार में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। बड़ा गणेश मंदिर और बाग में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर रोशनी से चकाचौंध रहा। इसमें भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया एवं भजन किए गए और महाआरती की गई, जिसे देखने श्रद्धालु काफी संख्या में मंदिर में आए। चंपावती नगरी चाचौड़ा के सभी छोटे और बड़े मंदिरों पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसका भक्तों ने खूब आनंद लिया और यहां पर खीर की महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और शरद ऋतु प्रारंभ होता है। इस उपलक्ष्य में शरद पूर्णिमा मनाया जाएगा। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ राज किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में हम शरद पूर्णिमा मनाते हैं और प्रति वर्ष मनाते आ रहे हैं। बांटा जाता है आप कहाँ के पुजारी हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदेश कुमार शर्मा, मैं श्री राधा कृष्ण मंदिर का पुजारी हूँ। बगीचे में है, तालाब के साइड में है। चाचौड़ा में वाल्मीकि जयंती श्रद्धा भाव एवं हर्षोल्लास से मनाई गई। वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा अपने घर एवं मंदिरों में उनकी पूजा अर्चना की गई। इस शुभ अवसर पर उनकी शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस अवसर पर सभी हिंदू भाइयों ने जगह जगह पुष्प वर्षा एवं ठंडाई पिलाकर स्वागत किया। भगवान वाल्मीकि की झांकी के साथ
सभी भक्तगण उनकी भक्ति में नाचते गाते और झूमते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए। इस अवसर पर सभी हिंदू भाइयों ने न केवल महर्षि वाल्मीकि बल्कि श्री राम के भजन भी गाए। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य के सहारे प्रेम, तप, त्याग इत्यादि दर्शाते हुए मनुष्य को सद्भावना के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया, इसलिए उनका ये दिन एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। अश्विन मास की शरद पूर्णिमा को महर्षि वाल्मीकि का जन्म दिवस वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस साल वाल्मीकि जयंती अंग्रेजी महीने के हिसाब से 5 अक्टूबर को थी, जिसका सभी हिंदू भाइयों ने धूमधाम से मनाकर वैदिक काल के प्रसिद्ध महर्षि वाल्मीकि रामायण महाकाव्य के रचयिता के रूप में विश्वविख्यात हैं। महर्षि वाल्मीकि न केवल संस्कृत बल्कि समस्त भाषाओं के महानतक कवियों में शुमार हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार उनका जन्म महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण और उनकी पत्नी चर्षणी के घर में हुआ था। महर्षि भृगु वाल्मीकि के भाई थे। महर्षि वाल्मीकि का नाम उनके कड़े तप के कारण पड़ा। चांदौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। चांदौड़ा बीनागंज के जाने माने प्राइवेट स्कूल सनराइज कॉन्वेंट स्कूल में विज्ञान को अधिक महत्व देते हुए सभी बच्चों ने विज्ञान के प्रोजेक्ट बनाए। चांदौड़ा बीनागंज के प्राइवेट स्कूल सनराइज कॉन्वेंट स्कूल में विज्ञान को अधिक महत्व देते हुए सभी बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए। ये सभी प्रोजेक्ट विज्ञान से संबंधित थे। स्वच्छता से संबंधित और भी आदि प्रोजेक्ट इस विषय पर पेश किए गए, जिनका सभी बच्चों ने बड़ी ही सफाई से प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताया। चांदौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। करीबी जिले अशोकनगर में रेलवे की बड़ी चूक आई सामने और आपको गुना पहुंचना है तो हो सकता है आप अशोकनगर रेलवे स्टेशन को गुना समझकर वहीं उतर जाएं,
क्योंकि अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे द्वारा जो बोर्ड लगाए गए हैं उन बोर्डों पर अशोकनगर की जगह गुना जंक्शन लिखा हुआ है। हालांकि यह गुना जंक्शन सिर्फ उर्दू में लिखा हुआ है, बाकी हिंदी एवं अंग्रेजी में साफ तौर पर अशोकनगर लिखा हुआ है। जब डिजियाना न्यूज़ के सहयोगी मुजाहिद भारतीय की इस बोर्ड पर नज़र पड़ी तो उन्होंने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया एवं DMR भोपाल को इसकी एक फ़ोटो ट्वीट की, जिसके तुरंत बाद DRM भोपाल ने मुजाहिद भारतीय से संपर्क साधा एवं संबंधित अधिकारियों को इस चूक को तुरंत सुधारने की हिदायत दी। अब देखना यह होगा कि रेलवे की यह चूक कब तक सुधरती है। डिजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।